मेरी पोजीशनिंग हिंदुस्तान में एक नेशनलिस्ट पोइट की है, एक राष्ट्रवादी कवि की है, जो देश के साथ चलता है, जो पदों को भी पीछे छोड़ देता है, मुल्क को आगे रखता है। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब मैं नुसरत फ़तेह अली खान को सुनता हूँ, और वो जब आप देखते हैं ना नुसरत साहब जब बीच में बैठ के गाते हैं तो पीछे वो दमपुक जो होते हैं ताली बजाने वाले ना, और जब चचा पाँचवें छठे सुर पर चले जाते हैं तो वो एक ताली बजा रहा दूसरे वाले से कहता है कि तू चलेगा क्या, वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं जा रहा, तू देख ले। फिर सब ताली बजा के कहते हैं कि नहीं चचा को अकेले जाने तो हम पीछे ताली बजाएंगे आराम से। वो जो सुर लगता है, तो मैं समाधि में चला जाता हूँ, जो बुद्ध को पढ़ते समय जाता हूँ, जो गीता पढ़ते हुए जाता हूँ। और अगर मुझे कोई यह समझाने की कोशिश करे उस सातवें तल पर कि नुसरत फ़तेह अली खान पाकिस्तानी है, तो मेरा मन करता है कि मैं उसी सातवें तल से उसे धक्का दे दूँ नीचे। ये जो सरहद बनाई है, मैं नहीं था, आप भी नहीं थे, हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे, हमारे वालिद रहे होंगे, ये जिनका भी करिश्मा है, इस एक लकीर ने गारत हो सर क्रीक क्या खींच के गए आप, पता ही नहीं चला कि कौन सा कुनबा किधर है, कौन सा कुनबा इधर है। लेकिन मैं एक जगह पर था, वहाँ मैंने बहुत सारा सुनाया, तो सब हिंदुस्तानी पाकिस्तानी ताली बजा रहे थे। भगत सिंह पर एक कविता सुनाई तो पाकिस्तान के दोस्त चुप हो गए, तो मैंने उनसे कहा कि आप भी तालियां बजाइए, क्योंकि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। लाहौर की कोट लखपत जेल में आखिरी सांसें लेते हुए, एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखते हुए, जो लड़ाई भगत सिंह ने शुरू की थी, वो बयानों की आज़ादी पर फैज़ तक पहुंची, उन्होंने भी उसी जेल में सफ़र काटा। इन दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो नए लोग लिख रहे हैं, उनमें से एक लड़का अचानक दोनों तरफ मशहूर हो गया है, हिंदुस्तान में उसके चाहने वाले हैं, उसको चाहने वालियाँ हैं, आपकी तालियां बता रही हैं कि आप उसे समझते हैं। लेकिन मैं, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये सब लोग जितने भी हैं, ये सब लोग जब मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो कुमार भैया लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि पुरखे कुछ भी कर गए हों, औलादों की नीयत ठीक है। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़ा प्रिय है, और क्या बढ़िया लिखता है कि तुझको पाने में मसाला ये है मेरी जान तहजीब, तुझको पाने में मसला ये है, तुझको खोने के वसवसे होंगे। दाद कमाई आपके अगले शेर पे आएगी, उस लड़के का शेर पढ़ रहा हूं कि तुझको पाने में मसला ये है, तुझको खोने के वसवसे होंगे, तुझको छूने के बाद क्या होगा, देर तक हाथ कांपते होंगे। एक बार जोरदार तालियों से तहजीब हाफी का स्वागत कीजिए, और जोरदार तालियों के साथ। आओ तहजीब। हाजरीन महफिल, मैं शेर पढ़ने से पहले गुफ्तगू या बात कम करता हूँ, आज इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे बहुत अपने मेरे आसपास हैं, सुनने वालों में भी मेरे अपने मौजूद हैं, सामने शाजिया आप ही बैठी हैं, रिहान भाई हैं, और सदारत फरमा रहे हैं मुनव्वर साहब, रुझान साज और ऐत साज शायर हैं ये जानते हैं, और कुमार भैया जैसे वो कह रहे थे, मैं इनके लिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ ये इतने मशहूर हैं और इन्होंने एक नस्ल को मुतासर किया, वो लोग जो सैलाब से मुतासर नहीं होते इनसे मुतासर हैं। अच्छा है। मैं शेर पढ़ता हूँ के, और इन्हीं की नजर है दो शेर। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। वाह। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। भाई वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर हैं के मुकर्रर जी जी। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये ज्योग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो।
और शेर हैं कि रुक गया है वो या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। रुक गया है वो या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। उसने शादी भी की है किसी से, और गांव में क्या चल रहा है। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और कुछ शेर हैं कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। गजल है, वाह 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 वाह, वाह वाह तजीब। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूं, वाह, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह, क्या बात है तजीब, वाह वाह वाह। यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूं, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, हाय हाय, इस पे क्या लड़ना फलां मेरी जगह बैठ। भाई जिंदाबाद, भाई तालियां कमती। हाँ, उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, जिंदाबाद, इस पे क्या लड़ना फलां मेरी जगह बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा, मत पूछ। बात है, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा, मत पूछ। उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। भाई वाह वाह, भाई क्या पढ़ रहे हो तहजीब, वाह वाह। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा, मत पूछ। उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। और शेरे के बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस। जो भी एक बार जहां बैठ गया, बैठ गया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। एक और गजल है, हाँ वो, हाँ जी हाँ जी। अपना लड़ना भी मोहब्बत है, तुम्हें इल्म नहीं, चीखती तुम रही और मेरा गला बैठ गया। बहुत शुक्रिया। एक और गजल के शेर हैं कि किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है। कमाल है, कमाल है भाई, कमाल। किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है, कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता। किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है, कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसाला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। वाह 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 वाह, मुकर्रर इरशाद, मुकर्रर इरशाद। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसाला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। शेरें कि जिंदगी इतना तेज चलती है, भाग कर बस पकड़ना पड़ती है। जिंदगी इतना तेज चलती है, भाग कर बस पकड़ना पड़ती है। तुम बहुत खुश रहोगी मेरे साथ, वैसे हर एक की अपनी मर्जी है। तुम बहुत खुश रहोगी मेरे साथ, वैसे हर एक की अपनी मर्जी है। और एक गजल, गजल के शेर हैं कि ये वक्त भी आपका है, आगे का वक्त भी आपका, आराम से पढ़िए। हाँ वो सुनाया, उसमें कुछ और सुनाता हूँ। वो चूल्हा वाला सुना दीजिए, चूल्हा जलता। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। भाई जिंदा, भाई वाह वाह वाह। थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, हाय हाय हाय, तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। भाई बाबा मुकर्रर, क्या बात है दादी, वाह वाह, बहुत शुक्रिया।
भाई वाह वाह वाह, तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। तेरी कैद से मैं यूं ही रिहा नहीं हो रहा, तेरी कैद से मैं यूं ही रिहा नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी तेरा हक अदा नहीं हो रहा। तेरी कैद से मैं यूं ही रिहा नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी तेरा हक अदा नहीं हो रहा। मेरा मौसमों से तो फिर गिला ही फजूल है, तुझे छू के भी मैं अगर हरा नहीं हो रहा। वाह, मेरा मौसमों से तो फिर गिला ही फजूल है, तुझे छू के भी मैं अगर हरा नहीं हो रहा। तेरे जीते जागते और कोई मेरे दिल में है, हाँ। मेरे दोस्त क्या ये बहुत बुरा नहीं हो रहा। आह, तेरे जीते जागते और कोई मेरे दिल में है, मेरे दोस्त क्या ये बहुत बुरा नहीं हो रहा। ये जो डगमगाने लगी है तेरे दिए की लौ, इसे मुझसे तो कोई मसाला नहीं हो रहा। शुक्रिया के शेर हैं कि बिछड़कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वाह, बिछड़कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। बिछड़कर उसका दिल लग भी गया तो क्या लगेगा, वो थक जाएगा और मेरे गले से आ लगेगा। मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। भाई वाह वाह वाह, अच्छा लगेगा के जवाब नहीं, क्या अच्छा है। मैं मुश्किल में तुम्हारे काम आऊं या ना आऊं, मुझे आवाज दे लेना तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं जिस कोशिश से उसको भूल जाने में लगा हूं, ज्यादा भी अगर लग जाए तो हफ्ता लगेगा। मैं जिस कोशिश मैं जिस कोशिश से उसको भूल जाने में लगा हूं, क्या कम वक्त लिया है तुमने, ज्यादा भी अगर लग जाए तो हफ्ता लगेगा। और कुछ और शेर हैं के वो गजल सुना दी, उसमें वो शेर मिस हो गया। चले कोई नहीं, जी जी। बाद में मुझसे न कहना घर पलटना ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया। बाद में मुझसे न कहना घर पलटना ठीक है, वैसे सुनने में यही आया है रास्ता ठीक है। हाँ हाँ, बाद में मुझसे न कहना घर पलटना ठीक है, वैसे सुनने में यही आया है रास्ता ठीक है। शाख से पत्ता गिरे, बारिश रुके, बादल छटे, मैं ही तो सब कुछ गलत करता हूँ, अच्छा ठीक है। भाई वाह वाह, क्या लगाया, अच्छा ठीक है, मुकर्रर, वाह वाह वाह। शाख से पत्ता गिरे, बारिश रुके, बादल छटे, मैं ही तो सब कुछ गलत करता हूँ, अच्छा ठीक है। जहन तक तस्लीम कर लेता है उसकी बर्तरी, आंख तक तस्दीक कर देती है बंदा ठीक है। वाह 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 वाह, जहन तक तस्लीम कर लेता है उसकी बर्तरी, आंख तक तस्दीक कर देती है बंदा ठीक है। एक तेरी आवाज सुनने के लिए जिंदा है हम, तू ही जब खामोश हो जाए तो फिर क्या ठीक है। एक तेरी आवाज सुनने के लिए जिंदा है हम, तू ही जब खामोश हो जाए तो फिर क्या ठीक है। और आखिर पे कुछ शेर हैं, सुनाता हूं। टूट भी जाऊं तो तेरा क्या है, रेत से पूछ आईना क्या है। वाह, टूट भी जाऊं तो तेरा क्या है, रेत से पूछ आईना क्या है, फिर मेरे सामने उसी का जिक्र, आपके साथ मसाला क्या है। फिर मेरे सामने उसी का जिक्र, आपके साथ मसाला क्या है। सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं, पेड़ का रूप धार लूंगा मैं। सब परिंदों से प्यार लूंगा मैं, पेड़ का रूप धार लूंगा मैं। तू निशाने पे आ भी जाए अगर, कौन सा तीर मार लूंगा। वाह 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 वाह, तहजीब, तुम्हें से शेरों पढ़ दो मेरी जान, एक बार जोरदार तालियां बजा के। कौन सा तीर मार लूंगा। शेर है के अब उस जानिब से इस कसरत से तोहफे आ रहे हैं, जी जी। क्या खबर उस रोशनी में और क्या रोशन हुआ, क्या खबर उस रोशनी में और क्या रोशन हुआ,
जब वो इन हाथों से पहली मर्तबा रोशन हुआ। क्या खबर उस रोशनी में और क्या रोशन हुआ। जब वो इन हाथों से पहली मर्तबा रोशन हुआ, वो मेरे सीने से लगकर जिसको रोई कौन था, किसके बुझने पर मैं आज उसकी जगह रोशन हुआ। वाह भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो मेरे सीने से लगकर जिसको रोई कौन था, किसके बुझने पर मैं आज उसकी जगह रोशन हुआ। तेरे अपने तेरी किरणों को तरसते हैं यहाँ, तू ये किन गलियों में किन लोगों में जा रोशन हुआ। तेरे अपने तेरी किरणों को तरसते हैं यहाँ, हाय हाय क्या शेर है। तू ये किन गलियों में किन लोगों में जा रोशन हुआ। अब उस जानिब से इस कसरत से तोहफे आ रहे हैं कि हम घर में नई अलमारियां बनवा रहे हैं। अब उस जानिब से इस कसरत से तोहफे आ रहे हैं कि हम घर में नई अलमारियां बनवा रहे हैं, कि हम घर में नई अलमारियां बनवा रहे हैं। हमें मिलना तो इन आबादियों से दूर मिलना, उसे कहना गए वक्तों में हम दरिया रहे हैं। हमें मिलना तो इन आबादियों से दूर मिलना, उसे कहना गए वक्तों में हम दरिया रहे हैं। और बिछड़ जाने का सोचा तो नहीं था हमने, लेकिन तुझे खुश रखने की कोशिश में दुख पहुंचा रहे हैं। बिछड़ जाने का सोचा तो नहीं था हमने, लेकिन तुझे खुश रखने की कोशिश में दुख पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, वाह वाह।